तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर का जो पारिवारिक विवाद है, जिसे संपत्ति विवाद कहा जा रहा है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। लेकिन अब यह विवाद बढ़ गया है क्योंकि मुनव्वर राणा से अब से थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने इस पूरे झगड़े को जिस तरीके से लेकर अपने भाई को भाई मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल राणा, जो कि मुनव्वर राणा के भाई हैं, उनका सीधा आरोप है कि इस पूरे विवाद में पूरा परिवार मिलकर साजिश कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए, इस पर हमारे साथ इस्माइल राणा तो जुड़े हुए हैं ही, मेरे साथ मुनव्वर राणा की बेटी इस वक्त फौजिया राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। फौजिया राणा, मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि इस्माइल राणा जो कि आपके चाचा हैं, भले ही आपके जो पिता हैं वो उन्हें भाई मानने से इनकार कर रहे हैं, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे भाई को बहकाया जा रहा है। और बहका कौन रहा है? परिवार में जो दूसरे सदस्य, यानी कि बेटियां और बेटे। सीधा आरोप है आप पर। फौजिया राणा, अब तक आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है आवाज। फौजिया राणा, अब तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है, आपके चाचा इस्माइल राणा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा आरोप आप पर, खास तौर से यानी कि मुनव्वर राणा की बेटियां और बेटों पर, कि आप लोग दरअसल ये झगड़ा बढ़ा रहे हैं, इस झगड़े की जड़ में आप लोग हैं, जिसकी वजह से मुनव्वर राणा को एक तरीके से बहकाया जा रहा है परिवार, ये आरोप है उनका। देखिए, उनका जो आरोप है, जो वो लगा रहे हैं, ये उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी सोच है। लाजमी सी बात है कि आप मेरे वालिद साहब के बारे में बात कर रही हैं, तो वो कोई बच्चे नहीं है कि उनको समझाया जाएगा। एक उम्र गुजार दी इन लोगों ने बदतमीजियों में, और मेरे पापा से जो भी जितना कर सकते थे एक्सट्रीम बदतमीजियाँ ये करते आए हैं, ये तो बचपन से हम लोग भी देख रहे हैं। तो अब इनको एक ये नया मुद्दा लेके आए, बहकाएंगे, क्या मेरे वालिद साहब कोई बच्चे हैं जो वो बहकाने से बहक जाएंगे? आखिर कब तक इन लोगों के झूठ में उनका सपोर्ट किया जाएगा? अब वो वक्त आ गया है कि हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये क्या मतलब हुआ कि उनके बेटे बेटी उनको बहका रहे हैं? कौन से झूठ की बात कर रही हैं आप? जिस भी तरह के झूठ इन्होंने अब तक बोले हैं, जिस तरह से कि यही सबसे पहला तो यही झूठ है कि उनके परिवार वाले उनको बहका रहे हैं, उनके बीवी बच्चे, उनके बेटे बेटी उनको बहका रहे हैं, ये क्या मकसद है? तो ये बात तो हम अपने चाचा के लिए भी बोल सकते हैं, कथा कथित चाचा। आपने कम से कम फौजिया राणा चाचा भाई नहीं रहे तो उनसे भी कोई रिश्ता नहीं, तो भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। इस्माइल राणा, यहाँ पर आपकी भतीजी हैं। मैंने चाचा के बाद ये भी कहा है कि कथा कथित, तथाकथित, मतलब आप भी वही कह रही हैं जो मुनव्वर राणा कह रहे थे। चलिए ठीक है, ये आपके आपसी पारिवारिक विवाद है। इस्माइल राणा, आपकी भतीजी सामने है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं, मेरे पास अल्फाज, यूं तो अल्फाजों का खजाना मेरे पास भी है, शुक्र अल्लाह का। मुनव्वर राणा अगर कलाकार हैं तो नाम नेहाद कलाकार बन गए, लेकिन स्टेज का आदमी मैं भी हूं, कलाकार मैं भी हूं, लेकिन हर जगह अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और रहा ये कि ये जिस तरीके से ये सब अभी हो रहा है और जो मैंने कहा है जिसे झूठा साबित किया जा रहा है, तो ये निकाल के मालूम किया जा सकता है कि 4 महीने पहले इन्होंने अपने बेटे को सारी पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि नहीं दी है, और ये पता किया जाए कि इनका बेटा क्या काम करता है। जबकि 1 साल पहले मैंने इनके बेटे को कारोबार के 25 से 35 लाख रुपया अपना बर्बाद किया उसके ऊपर कि ये कारोबार में लग जाए, जो बाप का ट्रांसपोर्ट जो खत्म हो गया कलकत्ते में इनके बाप ने, जो कि मेरे बाप से कब्जा करके नाजायज, धोखा दे के नाजायज सब अपने नाम कर लिया, उस कारोबार फिर से खड़ा हो। लड़के पे मैंने 10 साल पहले ये क्या करते थे? 10 साल पहले तो ये खुद बेकार थे। बेटा, इस्माइल राणा वो शख्सियत है कि इस्माइल राणा बेकार कभी नहीं रहा, कोशिशें करता रहा, और उम्र के 17-18 साल की उम्र से मैंने मुनव्वर राणा का स्टाइल देख के मैं अपने बाप के कारोबार से अलग हो गया और मैं अपनी जद्दोजहद करता रहा। ये तुम्हारे बाप ने भी एक जगह नहीं 50 जगह कहा है कि इस्माइल हार नहीं मानता है। और हम
अपनी कोशिशें अपनी जद्दोजहद हमेशा मैंने रखा, मैं कभी घर में नहीं लेटा है। और जिस तरीके से इन्होंने सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बेटे के नाम दी है, बिल्कुल वो बेटा तुम लोग सियासत, हमने सियासत छोड़ दी और तुम लोग अब सियासत चालू की हो, और मैं सियासत में किस मुकाम पे था ये आज भी 10 जनपद से बताने वाले बता देंगे कि हाँ ये कैसा था और राजीव गांधी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितना मानते थे। सोनिया गांधी ने मेरे प्रोग्राम बैठ के राजीव जी के साथ अमेठी में देखा है, ये सब अभी मौजूद हैं। ये जिसको आपके वालिद कह रहे हैं एक सड़क छाप, एक उठाई गिरा और क्या क्या, तो पता नहीं क्यों राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने हमारे प्रोग्राम अमेठी में बैठ के हमारे नुक्कड़ नाटक देखे और मेरे पास राजीव जी की दी हुई एक जीप मौजूद थी जो उन्होंने हमें दिया था। तो बेटा पता नहीं, मैंने शीला भाटिया के दिल्ली आर्ट थिएटर में मैंने लगभग 3 साल पापा ने जो नज्म लिखी थी वो नज्म भी आप ही लेके गए थे। नहीं नहीं बेटा, लिखी नहीं थी, मैंने लिखवाई थी उनसे, मेरे दरवाजे पे लिख दो यहाँ माँ रहती है। मैंने कहा भाई एक नज्म लिख दो, लेकिन उसका सारा क्रेडिट तुम्हारे बाप ही को मिला है। सोनिया जी को मैंने वो फ्रेम करा के दिया था, मैंने राहुल जी को ये फ्रेम करा के दिया था, लेकिन सारा नाम तुम्हारे बाप ही का है। मैंने कभी बाप भाइयों के हक को नहीं लिया, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आज भी जो है सब हमारी मेहनत का है। उसमें न बाप तो हमारे बेचारे इंतकाल ही कर गए थे, भाई ने तो 2 भाइयों को बाप के कारोबार में नौकर बना के रखा, हमारे भाई राफे राणा को और शकील को जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, आप भी नहीं, उन लोगों आप, को 10,000 और 5,000 का नौकर आप रखा ये बात था। भूल रहे हैं कि अभी 10 साल पहले तक अभी दस साल पहले तक तो आप दिल्ली जाने तक के पैसे पापा से लेते थे। आपकी फैमिली इंदिरानगर में किराए के घर पे रहती थी, सारा खर्चा पापा उठाते थे। बेटा 10 साल आप बता रहे हैं कि उन्होंने हक मार लिया भाइयों को। शकील की शादी करने वाले मेरे अब्बा तुम्हारे बाप का, अरे क्या यार, 10 साल पहले बेटा तुम्हारे अब्बा का ऑपरेशन इंदौर में हुआ था है? और मैं इंदौर गया था और वहां मैंने अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी पूरी उठाई, और उसके बाद से जब से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा है तो बेटा मेरी जुबान मत खुलवाओ। लेकिन तुम जी ये भी कह रहे हैं कि आपको लाखों रुपया आपके भाई को, वो सीधे तौर पर तबरेज का नाम ले रहे हैं कि उधार दिया, और उसके बाद यहाँ संपत्ति का खेल परिवार में ही हो गया। नहीं मैंने उधार नहीं दिया, मैंने एक चचा यानी बाबा की हैसियत से जी बोलिए बोलिए इस्माइल, मैंने एक चाचा और बाबा की हैसियत से उसको स्टैंड करने के लिए अपनी औलाद समझ के उस पे इन्वेस्ट किया, मैंने कोई उधार नहीं दिया। और उसके बाद मुनव्वर राणा के एक नहीं सैकड़ों दोस्त बोलेंगे, तो बाबा ने भी पूरी जिंदगी जो किया वो आप लोगों को अपने अपना भाई अपनी औलाद समझ के इन्वेस्ट किया। बेटा तुम्हारे बाप से हमेशा मेरा यही झगड़ा होता रहा कि भाई भाइयों की इमदाद ना करो, इमदाद बंद करो, भाइयों को अपने पांव पे खड़ा करो। लेकिन हमारे भाई का तो ये शौक था, ये जुनून था कि टुकड़े डालते रहें, और आज की तारीख में हमारे सब भाई जो हैं उनको टुकड़ों ही पे इन्होंने रखा था सिवाय मेरे, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून है, खुददारी है। और मैं 17 साल की उम्र से जद्दोजहद करता रहा, कामयाबी नहीं मिलती थी वो अलग बात है, लेकिन रोटी अपनी मेहनत का खाता था। हमने भी अपने घर का नाटक 7 साल की उम्र से देखा है, और आप जो भी हैं, मैं आपका नाम नहीं, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं इस किस्म की, जो भी मेरे घर की कुछ बातें हैं मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जो, बेटा तुम लोगों ने ही हमारे घर की मोहब्बत और एकता को खंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आखिरकार हमारे भाई को तुम लोगों ने पागल और दीवाना बना दिया
क्योंकि इस वक्त हमारे भाई की बातें सुन के खुद सुनने वालों को ये अंदाजा हो रहा होगा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं फिर मैं दावे से कहता हूँ कि खुदा की कसम, अभी आपने बताया कि आप बहुत अच्छा नाटक कर लेते हैं, तो यहाँ नाटक ही चल रहा है जी। सब करते करते एक इंसान की जब लिमिट हो जाती है तो वो इसी तरह से ब्लास्ट होता है। नहीं बेटा देखिए, अब हम क्या कहें, ये तो आप लोगों का दिल जानता है कि मैंने अपने घर के लिए अपने बेटा नहीं, मेरे पास हर चीज का जवाब है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए खानदान में या दुनिया में कि मुझे सर झुका के बात करना पड़े, निगाहें झुका के बात करना पड़े। और अगर मैंने कोई गलत किया भी है तो अपने पापा अपने भाइयों पापा ने भी सर उठाई के बात की है और आज तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सारा 1986 में धोखाधड़ी करके राणा ट्रांसपोर्ट का वजूद मिटा के कतल रोडवेज इन्होंने बना के, आप यहाँ पर बैठ कर आपके जो भी सवाल है अपने चाचा से पूछिएगा। फौजिया राणा, चलिए फौजिया राणा शायद आगे बात नहीं करना चाहते इस पर। स्माइल राणा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्माइल राणा जी, फौजिया राणा शायद या तो आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती या फिर वो इस पारिवारिक विवाद में पड़ना नहीं चाहती है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही है कि आपके जो भी पारिवारिक विवाद हैं, बहुत आगे वो भले ही बढ़ गए हों, लेकिन आप एक मंच पर बैठ कर उसे सुलझाएं। देखिए हमने बहुत कोशिश की और अभी भी एक चैनल पे मेरी बात हुई थी तो उसमें यही मैंने कहा कि भाई उनके घर में जो दबिश पड़ी है तो एक तरीके से देखिए तो ये मेरी जीत है, क्योंकि हम लोगों से इल्जाम हट गया। लेकिन इस जीत में भी हमारी हार है, क्योंकि दबिश पड़ी कहाँ है, हमारे ही घर में, हमारे ही भाई के घर में, लेकिन हमारे भाई के लिए नहीं पड़ी है, तबरेज के लिए पड़ी है। तबरेज ये सब कर रहा और ये पहला मामला नहीं है। अब मैं बस क्या बताऊं कोई रिश्ता न सही दर्द का रिश्ता होगा, और मैं तड़पता हूं इधर तो उधर वो भी तड़पता होगा। अच्छा इस्माइल राणा, आप बार बार अपने भतीजे का नाम ले रहे हैं, हालांकि आपने उन पर आरोप लगाया, आपने कोशिश नहीं की कि भतीजे से बात करके या परिवार में बाकी लोगों से, अपनी भाभी से बात करके या भतीजियों से बात करके इस मामले को सुलझाया जा सकता, बजाय इसके कि थाने पहुंचे। चार महीने पहले मेरी बहन बहुत ही बदतमीज, मतलब वो समझ लें आपकी बिरला टाटा के लड़के भी उसको देख के शर्मा जाएंगे, मेरी बहन जो कि कतर में रहती है उसने मुझे बात किया कि भाई तबरेज से एक बार बात कर लीजिए। और लगभग कोरोना से 20-25 दिन पहले वो मेरे ऑफिस में आया, रायबरेली ही में मैं था, मेरे ऑफिस में आया और वहां उससे सब बात हुई। और मैंने उसको कहा कि मियां देखिए वहां जो है सब रोक दीजिए, मैं पहले आपके बाप से बात करूंगा। इसने कहा कि मेरे बाप अभी बहुत बीमार हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे तब बात करूंगा, लेकिन कोई एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें होके वहां से हम लोग चले गए और फिर कोरोना का मामला आ गया। कोरोना में हमें भी कोरोना हो गया था, क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूं, मुझे भी कोरोना हो गया था और सब यहां था, लेकिन इसके कार्यक्रम चालू थे। और यहां जो मेरा मरहूम भाई मर गया है उसके लड़के की जमीन पे ये रास्ते निकालने लगा और बदतमीजियां ये सबसे, और जबकि 2.5 महीने पहले मेरा छोटा भाई राफे राणा, उसका दिल्ली में कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, जो कि मैं वहां बुला के, मैं दिल्ली रहता हूं तो मैंने वहीं बुलाया था, और राजीव गांधी में उसका कैंसर का मुंह का ऑपरेशन अभी 2.5 महीने पहले हुआ है। और इन्हीं सब का फायदा उठा के, अरे मैडम मैं क्या कहूं, वो किसी के बस में नहीं है, वो उससे एक बार उसकी सिर्फ तस्वीरें आप देख लें, उसका स्टाइल देख लें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, तो आप यही कहेंगी कि ये मुनव्वर राणा का लड़का नहीं लग सकता है, ये जैसा हमें बता रहे हैं ये इस्माइल राणा का लड़का है। अच्छा ठीक है, चलिए फौजिया राणा मेरे साथ फिर से, मैं आती हूँ आपके मेरे भाई को, आप लोग मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। फौजिया राणा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। फौजिया राणा मैं कल रात के बारे में जिक्र कर लेती हूँ, पहले तो बताइए हुआ क्या कल रात, क्या हुआ था कल रात?
पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी अपने सारी बातों में ये मीठे बन के और जो मेरे भाई को ये बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है वैसा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ही बाप की औलाद लगता है, जैसे मेरे पापा है वैसा मेरा भाई है, ये कहने का कोई सेंस नहीं है कि वो उनका बच्चा लगता है या उनका बच्चा लगता है, वो पापा ही की तरह ज़हीन है। यहाँ डायलॉग देने से और शुरू से अब तक जो बचपन से नाटक हम लोग देखते आ रहे हैं कि हाय मेरा बच्चा, यहाँ इस तमाशे के लिए पैनल नहीं शेयर हुआ है। ठीक है फौजी, आप बताइए ज़रा, मैं इसका जवाब ले लूँगी इस्माइल राणा से। पहले मैं जानना चाहती हूँ कल रात क्या हुआ, क्यों आप लगा रहे हैं पुलिस की इस कार्रवाई पर आरोप कि जो भी हो रहा है वो एक पूरी साजिश के तहत हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, क्या हुआ ऐसा कल रात कि आपको लगा कि परेशान किया जा रहा है परिवार को? किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई पुलिस आती है तो पुलिस आती है वो मकसद बताती है कि भाई ये इशू है, फलाना है, उसको आप हाजिर कीजिए या वो कहाँ है। ठीक है, आपके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी भाभी बहुत सख्त पर्दा करती हैं। ठीक है, आप आ गए घर में और धड़धड़ा के 25-30 आदमी अंदर चलते चले आए और बिना किसी नॉक किए बेल बजाए आप डायरेक्ट आके बेडरूम में खड़े हुए हैं, क्या ऐसा पुलिस करती है? उसके बाद जब इस पर ऑब्जेक्शन हुआ तो मेरी 16 साल की मेरी बच्ची ने जब मूवी बनाना शुरू की तो गुंडागर्दी से उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और जब मैं मोबाइल मांगने जाती हूँ तो मुझसे कहता है तुझको भी जीप में डाल के अंदर ले जाएंगे। मैं आपसे पूछूँ ये पुलिस थे या पुलिस की शक्ल में गुंडे आए थे? आप किसी माफिया के घर नहीं आए थे, किसी गैंगस्टर के घर नहीं आए थे, आप एक बहुत इज्जतदार इंटेलेक्चुअल के घर आए थे, क्या ये आने का तरीका होता है? और मेरे फादर लगातार पूछते जा रहे थे कि क्या मसला है क्या मसला है, कुछ नहीं आप इधर से उधर, हमारी पूरी लाइब्रेरी इन्होंने उजाड़ी, पूरी लाइब्रेरी में पूरी किताबें बिखेर दी जिसको मैंने सुबह 5 बजे तक बैठ के बटोरा है, क्या ये तरीका है पुलिस का? क्या तुक होता है कि आप 16-17 साल की बच्ची का मोबाइल छीन के ले जाइएगा? तो आपको क्या लग रहा है पुलिस इस फायरिंग मामले में आपके घर पर पहुंची थी पूछताछ करने के लिए, ये पुलिस का कहना है, लेकिन आपको क्या लग रहा है क्योंकि आप कह रही हैं कि हमें नहीं पता किस मकसद से आई, क्यों फिर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस आपके घर पहुंची? देखिए हम लोग तो NRC से टारगेट में हैं, हमारे ऊपर तो उस वक्त भी मुकदमे थे, हम कब टारगेट में नहीं रहे हैं? ये पुलिस आती अपनी कार्रवाई करती, ये तरीका नहीं होता है। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, मैं आप मुझे जवाब दे दीजिए, क्या ये तरीका था बिना किसी लेडी कांस्टेबल के आप किसी मुसलमान घराने में या किसी शरीफ घराने में किसी भी धर्म का हो वहाँ सिर्फ औरतें हों और ये पहुँच जाएँ 25-30 और बेडरूम में चले जाएँ, क्या ये तरीका होता है? तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी थे और क्या कोई महिला पुलिसकर्मी भी उसमें थी? महिला पुलिसकर्मी नीचे गेट पर थी जब हमारी बेटी ने चिल्ला चिल्ली की और ये बोला कि आप लेडी कांस्टेबल को बुलाइए, तब एक कांस्टेबल आई है जिसके साथ 25 से 30 आदमी डायरेक्ट बेडरूम में थे। ठीक है, और मतलब पूछताछ हुई, पुलिस ने तलाशी ली, क्या कुछ किया? पुलिस ने हम लोगों से कुछ भी नहीं पूछा, बस पूरे घर में तलाशी होती रही और हम लोग मेरे सबसे पहले तो मेरे फादर ने ही सवाल पूछा कि क्या बात है बताइए, तो नहीं आपसे कोई बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने चारों तरफ से बिल्डिंग घेरी, ये थी पहली चीज़, तो आपके पास कोई कागज़ था तो आप दिखाते, जो लीगल प्रोसेस है आप उसके तहत आते ना, जब कागज़ मांगना शुरू किया तो आप दाएँ बाएँ करने लगे, तो मैंने कहा आप रुकिए लॉयर बुलाते हैं, तो वो सब रफूचक्कर हो गए। चलिए ठीक है, हमारी कोशिश, और मोबाइल भी साथ में ले गए। ठीक है, हमारी कोशिश थी, देखिए फौजिया जी और इस्माइल जी हमारे और साथ एक जुड़े चीज और एक 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 बात में हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, कहिए फौजिया जी, सुन रहे हैं। ये जो मेरे फादर के लिए एक जुमला बोला है उनके तथाकथित भाई ने कि उनका दिमाग खराब है, उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, मुझे अपने चाचा के भी दिमागी तवाजन पे थोड़ा शक हो रहा है, बस मैं इतनी ही बात करना चाहती हूँ। देखिए हमारी कोशिश ये थी कि आमने सामने आप लोग बैठें और इस तरह से जो परिवार का जो झगड़ा है जो अब थाने पहुंच गया है उस पर आमने सामना आपका हो, लेकिन उम्मीद अब यही कर सकते हैं कि परिवार का झगड़ा है तो परिवार में ही रहकर सुलझ सके, इस तरह से सड़क और पुलिस थानों के चक्कर आप लोगों को ना काटने पड़े। हम लोगों के पेरेंट्स ने
मेरे पास वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा फौजिया, वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद फौजिया राणा आपका भी और इस्माइल राणा आपका भी हमारे साथ जुड़े। ABP News आपको रखे आगे।